बीते दिनों सारण जिले में जहरीली शराब कांड 74 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए एक होम्योपैथी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी। उन पर आरोप था कि जहरीली शराब कांड में शराब बनाने में जो स्प्रिट का उपयोग हुआ था वह होम्योपैथी का था। इसको लेकर राज्य के सभी होम्योपैथी डॉक्टर को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को नालंदा जिला होम्योपैथिक संघ के तत्वाधीन में बिहार शरीफ शहर के रामचंद्रपुर स्थित निजी होटल परिसर में जिले के सभी वरीय चिकित्सकों एवं होम्योपैथी व्यवसाय से जुड़े विक्रेता से व्यवस्थापक बंधुओं की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सदर डॉक्टर शिबली नोमानी और उत्पाद अधीक्षक के साथ इस बैठक में होम्योपैथी प्रक्षेत्र में आ रही चुनौतियों एवं कठिनाइयों का खुलकर विचार विमर्श किया गया। सभी सम्मानित लोगों का मत था कि सरकार औषध नियंत्रण एवं मद नियंत्रण के नाम पर व्यवसायियों एवं चिकित्सकों में बिना सहमति के नए नए कानून लागू कर उनको भयाक्रांत एवं विस्मित करने का प्रयास कर रही है। संघ की राय है कि ऐसे कानून को लागू करने से पूर्व राज्य स्तरीय होम्योपैथी चिकित्सक एवं विक्रेता संघ के राज्य स्तरीय संगठनों में एक समुचित बैठक कर उन पहलुओं पर व्यापक विमर्श कर रहे इन्हें लागू करने की एक समय सीमा निर्धारित करें। चिकित्सकों की सारी समस्याओं को समझते हुए सदर DSP डॉक्टर शिबली नोमानी ने चिकित्सकों से कहा कि होम्योपैथी से जुड़े सभी चिकित्सक एवं कारोबारी अपना काम नियम पूर्वक करते रहे, सभी लेन देन का कागजी कार्य जरूर करें और आपको कहीं भी किसी पर कोई संदेह हो तो हमें सूचित करें। रिलेटेड जो चिकित्सक स्टॉकिस्ट जो अन्य जो व्यक्ति है जो जुड़े हुए हैं इस कारोबार से, उन लोगों के साथ हम लोग जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में उत्पाद अधीक्षक, ड्रग इंस्पेक्टर साहब, अन्य जो पदाधिकारी उनके साथ हम लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हम लोग कुछ जगह इस तरह के दृष्टांत जो प्रकाश में आए हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कमीशन किया गया और उससे से ही कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, तो सभी होम्योपैथ के जो चिकित्सक हैं और जो स्टॉकिस्ट हैं जो उस कारोबार से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है और जो दिशा निर्देश है जो रेगुलेशन है उसके संबंध में इन लोगों को हम लोगों ने बताया है कि जो गाइडलाइंस हैं उसके आलोक में अपने जो प्रोफेशन है अपने कारोबार है उसको संपन्न करें। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इसका मिस यूज़ नहीं हो और जो भी आप उठाव करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेचते हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप रखें और जो गाइडलाइंस हैं उसके आलोक में कारोबार करें। और कहीं भी अगर किसी तरह का अगर आपको शक होता है किसी पे भी या इस ज़िले का या अन्य ज़िले जो आपसे जुड़े हुए हैं वहाँ के व्यक्ति अगर कोई मिसयूज आपसे प्राप्त करके करने का प्रयास करते हैं या कर रहे हैं तो सब चिकित्सक लोगों को हम लोगों ने अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया है कि अविलंब हम लोगों को सूचना दीजिए ताकि उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। और ये जो गोष्ठी है उसका मेन उद्देश्य हम लोगों का यही था। एक्चुअली में क्या कि अभी आप लोगों ने देखा है कि बहुत अभी स्पिरिट को लेकर बहुत सारा इशूज हुए थे छपरा में जो कांड हुआ था, तो हम लोग पूरा यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं चाहे एक्साइज से हों चाहे DI हों चाहे सहायक औषध निरीक्षक हो चाहे DSP सर हो, सबके साथ मिलकर हमारे जितने भी नालंदा जिला के डॉक्टर्स हैं फार्मासिस्ट हैं रजिस्टर्ड प्रैक्टिसनर हैं चाहे होलसेलर है ट्रेडर, एक मीट हम लोग किए जहाँ पे उनकी बातों को हमने सुना, जहाँ पे जैसे कुछ डर था कि ये रखना है नहीं रखना तो आज सब क्लियर हुआ। जहाँ पे हम लोग डाइल्यूशन कितना रख सकते हैं, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, पेशेंट को क्या देना है, कैसे रखना है, ये सब सारी चर्चाएँ आज हुई और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। यहाँ पे हर बात को हम लोग समझे, जैसे डॉक्टर्स थोड़ा डरे सहमे थे क्योंकि लोग रेड कर रहे हैं, बट इन लोगों ने कहा कि देखो यार रेड कुछ नहीं है बट एक फॉर्मेलिटी है और फॉर्मेलिटी मतलब चेक करना है ताकि आप लोग को सही बात पता चले। और क्योंकि ये जो नालंदा जिला होम्योपैथिक संघ है वो शराबबंदी को पूर्ण समर्थन देता है और उसके लिए हम लोग ही ये पहल किए कि हम लोग सर आपके साथ बैठ के बातचीत करें ताकि सब चीज़ हल हो जाए और सब कुछ आराम से लोग जो कमा रहे हैं खा रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत आराम से रहें, कोई इशू ना हो। आज इस बैठक से यही निर्णय हुआ कि क्या करना है क्या ना करना हो ये निकल के चला है। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, प्रवक्ता
नालंदा जिला होम्योपैथिक से। गोष्ठी का जो आयोजन किया था डीएसपी ने सारी बातें बता दी है। इसमें क्या है कि स्पिरिट का किसी भी प्रकार से मिसयूज ना हो और जो भी होम्योपैथी जो मेडिसिन है, जो भी मदर टिंचर है, ये स्पिरिट है या अल्कोहल युक्त जो भी मेडिसिन है, उसका रूल एंड रेगुलेशन के तहत इसका व्यापार हो, उसका रजिस्टर मेंटेन हो और मिसयूज ना हो, इस बातों को ध्यान में रखते हुए ये गोष्ठी की है। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी डॉक्टर्स, होम्योपैथी के होलसेलर, रिटेलर्स जो भी हैं, वो सरकार के इस नीति